प्रिय छात्रों नमस्कार। आज अध्ययन करने जा रहे हैं हम एमएपीएस 109 सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स यूनिट 9 निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य में हम जानने का प्रयास करते हैं शस्त्र स्पर्धा के विभिन्न परिणामों एवं निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के बारे में समझना, मतलब कि शस्त्र स्पर्धा, यदि शस्त्रों की स्पर्धा चल रही है, शस्त्र प्रत्येक व्यक्ति रख रहे हैं, प्रत्येक राष्ट्र रख रहे हैं, तो उसके स्पर्धा इस प्रकार से जब बढ़ जाएगी तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण की दिशा में हुए संगठनात्मक प्रयास, मतलब कि निशस्त्रीकरण की दिशा में जो संगठनों ने प्रयास किए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसको उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नंबर 3 हम देखते हैं निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समझना, मतलब कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं तो उसके बारे में समझना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम समझने का प्रयास करते हैं शस्त्र प्रतिस्पर्धा युद्ध की प्रवृत्ति और मानसिकता को प्रोत्साहित करने का कारण मानी गई है, अतः अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हित में शस्त्रों पर प्रभावी रोक लगाना अनिवार्य है। निशस्त्रीकरण शस्त्रों के परिसीमन कटौती नियंत्रण उन्मूलन का विचार है जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विनाशक और अराजक प्रवृत्तियों को मर्यादित करके राज्यों के मध्य शक्ति के परिसीमन में योगदान देता है। तो जो शस्त्र नियंत्रण है, तो जो शस्त्र प्रतिस्पर्धा है, तो शस्त्र नियंत्रण करने के लिए जो निशस्त्रीकरण का जो हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो निशस्त्रीकरण करने के उपाय कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम निशस्त्रीकरण करेंगे और निशस्त्रीकरण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि निशस्त्रीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि शस्त्र की जब प्रतिस्पर्धा होती है तो इसमें जो है एक दूसरे के लिए असुरक्षा की भावना होती है और कोई भी राष्ट्र एक दूसरे से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है और जो है जब युद्ध को बढ़ावा मिलता है और वो युद्ध से परिणाम बहुत घातक होते हैं, इसलिए विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमने निशस्त्रीकरण के मार्ग को अपनाया है और निशस्त्रीकरण को जो है हमने जो है अपनाने का प्रयास किया। निशस्त्रीकरण का मतलब है शस्त्रों को कंट्रोल करना, जो शस्त्रों को जो बढ़ावा मिल रहा है, शस्त्रीकरण की जो दौड़ है, तो उसको कंट्रोल करना है हमको। और जो विश्व में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ लगाए हुए हैं, तो हमको निशस्त्रीकरण के द्वारा उसको कंट्रोल करना है। इसके आगे हम देखते हैं निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का अर्थ, मतलब डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है उसका। तो इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि निशस्त्रीकरण का अर्थ शस्त्रों के विश्वव्यापी विनाश तथा समस्त शस्त्र बलों की व्यवस्था भंग करने से है, इसलिए निशस्त्रीकरण शस्त्रों की सीमा निश्चित करने, उस पर नियंत्रण करने तथा उसको घटाने का विचार है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के हित में शस्त्रों पर प्रभाव लगाना अनिवार्य है। जब तक राज्यों के मध्य शस्त्रों की होड़ चलती रहेगी तब तक स्थायी शांति की स्थापना संभव नहीं है। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि विश्व स्तर पर जो शस्त्रों की होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की, ढेर सारे शस्त्र इकट्ठे करते हैं, असुरक्षा की भावना है उनमें, तो हम निशस्त्रीकरण संधियों द्वारा हम एक दूसरे को विश्वास दिलाएं कि हम जो है अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पर और एक बाध्यकारी स्थिति को हम पैदा करें और शस्त्रों को जो है नियंत्रित करने का प्रयास करें, क्योंकि शस्त्रों को नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक शस्त्रों की दौड़ होती रहेगी और प्रत्येक राष्ट्र शस्त्रों को जो है इकट्ठा करते रहेंगे, एक दूसरे से भयभीत होते रहेंगे, तो एक दूसरे से क्या है, किसी के पास अगर 10 शस्त्र हैं तो
अगला सोचेगा कि मेरे पास 12 शस्त्र हो जाए, किसी के पास अगर 12 है तो वो सोचता है कि 20 हो जाए मेरे। तो क्या है? एक दूसरे से बढ़ते रहते हैं शस्त्रों की दौड़, और एक दूसरे से भयभीत होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है बहुत ज़्यादा परिणाम इसके भयानक निकलते हैं। तो हमको निशस्त्रीकरण का मार्ग चुनना है और शस्त्रों को कंट्रोल करना है, शस्त्रों को की दौड़ को कम करना है, इसलिए कम करना है ताकि हम विश्व में स्थायी शांति की व्यवस्था कर सकें। क्योंकि जब तक शस्त्रों की दौड़ रहेगी, शस्त्र की प्रतिस्पर्धा रहेगी, तब तक विश्व में शांति की व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसलिए हमको शस्त्र नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बाद हम देखते हैं 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि को हम जो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। इसके अंतर्गत अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ एवीएम की व्यवस्था के विकास का परित्याग करने तथा विद्यमान व्यवस्था को आंशिक तौर पर विखंडित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। निशस्त्रीकरण का एक और महत्वपूर्ण यह उदाहरण कहा जा सकता है। तो जैसा कि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध कोल्ड वार शुरू था, तो कोल्ड वार में क्या था कि एक दूसरे से युद्ध नहीं हुआ था, वाक युद्ध था, एक तरीके वैचारिक युद्ध था। मस्तिष्क में एक दूसरे से जो है भयभीत थे और भय के कारण एक दूसरे के बीच तनाव था, मनमुटाव था, राष्ट्रों के बीच, दोनों के बीच, एक जिसका जो है अमेरिका था गुट का और दूसरा गुट सोवियत संघ था। तो इन दोनों गुटों में क्या था, बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था और शस्त्रों की होड़ लगी हुई थी, एक दूसरे से जो है आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा थी और शीत युद्ध का जो है दौर चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा शस्त्रों को क्या किया गया था, उसके शंका की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विश्व के देशों ने अपने अपने शस्त्रों को जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बढ़ा लिया था। तो इससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तनाव की का माहौल व्याप्त था। तो इसी को जो है कम करने के लिए एक जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की संधि हुई थी सोवियत संघ और जो है जो वर्तमान में इस समय भूतपूर्व सोवियत संघ कहा जा रहा है, पहले सोवियत संघ था, बाद में विघटन हो गया है। तो उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संधि हुई थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। बैलिस्टिक मिसाइल जो मिसाइल छोड़ी जाती है, विनाशक जो है घातक होते हैं, एक दूसरे पर छोड़ दिए जाते हैं, उससे जो है क्या होता है, पूरा देश का देश जो है उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो उसी को क्या करना है, उसी के लिए कि ये संधि कर ली गई कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, कि ऐसी मिसाइल जो कि विनाशक हैं, घातक हैं और जो है जो जिससे धन जन की हानि होती है, तो हमको जो है उस पे रोक लगाना है, उस पे जो है उसका विस्तार नहीं करना है और उसको इकट्ठा नहीं करना है, उसका परीक्षण नहीं करना है और उस पे जो है रोक लगाना है। इसलिए दोनों गुटों के बीच यह जो संधि हुई थी, तो जो है निशस्त्रीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास एक माना जाता है, इसको जो है एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं निशस्त्रीकरण का उद्देश्य राज्यों को पूर्णतः निशस्त्र कर देना नहीं है, बल्कि मार्गेंथाओं के अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों की कटौती या उन्हें समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ यह नहीं है कि राज्यों के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनको पूर्णतः नष्ट कर दीजिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में एक तरफा कोई चीज़ को विकसित करना, या एक तरफ जैसे कि इटली ने और जर्मनी ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के जो है उसकी तैयारी करने के लिए इतना ज़्यादा शस्त्रों को जो है भंडार कर लिया था, बम, गोला, बम, बारूद, ये सब चीज़, और यही सब चीज़ का बढ़ावा देते रहे और जो है विश्व युद्ध का जो है अंततः जो है विश्व युद्ध का सूत्रपात हो गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से शस्त्रों की दौड़, बम, गोला, बारूद, इस तरह से नहीं बनाना है कि सिर्फ उसी दिशा में ही प्रयास हम करते रहें और डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ चौपट हो जाए।
एक पर्याप्त मात्रा में जितनी की आवश्यकता हो उतनी रखना चाहिए, और जो उससे आवश्यकता से अधिक बहुत ज़्यादा शस्त्रों को नहीं रखना चाहिए। और उस अगर बहुत ज़्यादा शस्त्र हैं तो इसका मतलब है कि उस राष्ट्र की नीयत सही नहीं है, वो कहीं पे युद्ध करना चाहता है, कहीं पे मिसाइल दागना चाहता है, तो इसलिए उनको जो है एक पूरी तरीके से निशस्त्रीकरण का अर्थ ये नहीं है कि हम एक पूरी तरीके से उनके शस्त्रों को समाप्त कर दें। एक जो है मध्यम संतुलित मार्ग अपनाते हुए थोड़े बहुत मात्रा में होने चाहिए, लेकिन एक्सेस मात्रा में, बहुत मात्रा में नहीं होना चाहिए। जैसा कि मार्गेंथाउ ने कहा है कि निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों की कटौती या उन्हें समाप्त करना, ताकि शस्त्रीकरण का दौर का अंत हो। तो उन्होंने यही कहा है कि शस्त्रों अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी राष्ट्र के पास शस्त्र हैं तो उनकी क्या करना है, कटौती करना है, संख्या में, गुणवत्ता में, यह देखना है। जैसे कि 2,000, 4,000, 10,000 इस तरह से शस्त्र हैं तो उनको कटौती करके आधे या आधे से कम भी शस्त्रों को उनको जो है जितना की होना चाहिए एक देश के पास तो उतना होना चाहिए। कटौती करना है, समाप्त करना है, कटौती करना है मतलब कि अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर शस्त्र हैं तो क्या करना है, उनको जो है कटौती कर देना है उसमें से, और जो है उनको जो है नष्ट कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं शस्त्र स्पर्धा के परिणाम। जब शस्त्रों की स्पर्धा होती है, होड़ लगी होती है एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ, इन्होंने जो है जो कोल्ड वार था तो शस्त्रों की होड़ लगाए हुए थे, और कोल्ड वार के समय शस्त्रों को जो है अब एक दूसरे से अधिक मात्रा में अपने यहाँ रखने की कर रहे थे, रखने का प्रयास कर रहे थे। भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, इस्माइल बुद्धा के नाम से जाना जाता है, फिर 1998 में किया जिसका नाम जो है ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया था, पोखरण परमाणु में हुआ था परीक्षण। और इसके बाद पाकिस्तान ने बाबर नाम का जो है परमाणु परीक्षण किया था। तो क्या है, एक दूसरे से जो है आगे होड़ लग जाती है निकल जाने की, और जो है शस्त्रों को जो है इस तरह परीक्षण करते रहते हैं। तो इसीलिए जो है जो अंतर्राष्ट्रीय जो यूनो का गठन किया गया है तो उसके माध्यम से भी रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और विश्व में जो 5 राष्ट्र ऐसे हैं कि जो कि उसको कहा गया है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है, परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, लिखित में परमाणु संपन्न राष्ट्रों की संख्या 5 है, जैसे कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। तो इन्होंने जो है 1968 तक जिन्होंने परमाणु का परीक्षण कर लिया था उनको जो है यूनो में उनको जो है स्थायी सदस्यता भी दी गई है, और जो है परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में उनको रखा गया है। वैसे तो इस समय भारत को मिलाकर के 9 देश परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, लेकिन यूनो की जो लिखित जो आचार उनके जो लिखित संहिता है तो उसमें जो है 5 ही राष्ट्रों का उल्लेख किया गया है परमाणु संपन्न में, भारत का उसमें नाम नहीं है, जबकि विश्व को पता है कि भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने शस्त्रों की संख्या स्तर में वृद्धि के लिए प्रयासरत रहते, परिणाम स्वरूप आर्थिक अव्यय, पर्यावरण क्षरण, भुगतान संतुलन की समस्या, राष्ट्र के विकास की समस्या आदि के कारण राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, आर्थिक शांति और सुरक्षा एवं विकास के मार्ग का शस्त्र स्पर्धा अवरोधक है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे शस्त्रों की स्पर्धा होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया जर्मनी ने कि शस्त्रों, बम, गोला, बारूद सभी घरों में, प्रत्येक घरों में बनाना अनिवार्य कर दिया था जर्मनी ने, और जर्मनी में यह भी कह दिया था कि जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रत्येक युवा को जो है सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। तो युद्ध के एक तरीके से युद्ध की वो तैयारी कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शस्त्रों से कोई जो है लाभ नहीं होता है, सिर्फ हानियाँ होती हैं, और चीज़ों का विकास रुक जाता है। भुगतान संतुलन का मतलब विदेशों से जो व्यापार होता है और उसका जो हम भुगतान संतुलन को जो है बैलेंस
पावर में रखना होता है, बैलेंसिंग मोड में रखना होता है, तो वो क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो जैसे कि अगर किसी देश का ऋण अधिक बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन जो है अवरुद्ध हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है। तो भुगतान संतुलन को क्या कहते हैं, इसको जो है बराबर रखने की आवश्यकता होती है। पर्यावरण, विकास और शिक्षा, ये सब चीज़ के जो मुद्दे हैं, तो इनको जो है इसको विकास की गति देना होना, गति देना चाहिए और शस्त्रों की दौड़ को कम करना चाहिए। निशस्त्रीकरण की दिशा में हुए संगठनात्मक प्रयास, अब हम देखते हैं निशस्त्रीकरण की दिशा में संगठनों ने जो जो प्रयास किए हैं, तो उसको हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर वन, अंटार्कटिक संधि 1959। तो अंटार्कटिक संधि का मतलब दक्षिणी ध्रुव में जो है, तो वहाँ पे इस तरह के संधि की गई थी कि वहाँ के आसपास के एरिया में जो कचरा है और इस तरह से जो मिसाइल्स ये सब चीज़ों का वहाँ पे प्रयोग और ये सब वर्जित है, वहाँ पे इकट्ठा करना दक्षिणी ध्रुव में वर्जित किया गया था। तो जो है अंटार्कटिक संधि के अंतर्गत जो है इस प्रकार का जो रेडिएशन है और जो है मिसाइल को दागना, ये सब चीज़ को वर्जित कर दिया गया था। नंबर दो में देखते हैं आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। तो आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध 1963 में लाया गया था। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के अंतर्गत इसमें ये कहा गया था कि जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण किया जा सकता है, हवा में और जो है जल में नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है परमाणु परीक्षण का जो प्रतिबंध लगाया गया था, तो कहीं पे लगाया गया था कि कुछ चीज़ों में नहीं लगाया गया था, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया था और परमाणु परीक्षण लगातार देशों ने जो है बराबर किया करते रहे, क्योंकि जो है आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध था, ये पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं था इसमें। इसके बाद हम देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि NPT 1968। तो ये जब परमाणु अप्रसार संधि NPT 1968 आया, तो इसमें ये कहा गया कि जो परमाणु संपन्न राष्ट्र 5 राष्ट्र हैं, तो वो अन्य राष्ट्रों को जो है अपनी तकनीकी नहीं देंगे, नहीं भेजेंगे और जो है इस प्रकार से खरीद फरोख्त पर जो है रोक लगाएंगे, और 5 राष्ट्रों की जिम्मेदारी है कि अन्य राष्ट्र जो है इसका जो है परमाणु परीक्षण ना करें। तो 1968 के पहले चाइना ने कर लिया था परमाणु परीक्षण और जो है 5 राष्ट्रों ने कर लिया था, तो अन्य राष्ट्रों पर जो है ये प्रतिबंध लगाने के लिए यह संधि लाई गई थी कि 5 राष्ट्र संपन्न राष्ट्र हैं, जो है 5 राष्ट्र शस्त्र से संपन्न राष्ट्र हैं, तो इनको जो है इनकी जिम्मेदारी दी जाती है कि विश्व की जो है सुरक्षा की गारंटी लेते हैं यूनो के तहत, और जो है अन्य राष्ट्र गैर जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कर सकते हैं और कहीं भी वो मिसाइल वगैरह दाग सकते हैं, इसलिए अन्य राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह संधि लाई गई थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4, समुद्र तल संधि 1971। तो समुद्र तल संधि, समुद्र तल का मतलब है समुद्र के तटीय क्षेत्रों में यह संधि के जो की गई थी, इसके तहत परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। तो यह संधि इस प्रकार से थी। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 पे जैविक शस्त्र अभिसमय 1972 संधि। तो ये जैविक शस्त्र अभिसमय, जैविक का मतलब होता है जैसे कि रोग है, कीटाणु, अभी जैसे चाइना से कोरोना निकला था, लेकिन लोगों ने ये कहा था कि विश्व में महामारी फैलाई गई थी एक तरीके से, लेकिन ये बात तो सही नहीं थी और ये एक मात्र अफवाह थी। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया है कि इसी प्रकार से जो विदेशों में बीमारियाँ फैला देना विश्व में, और इस प्रकार से जो है जैविक चीज़ों का, कीटाणु जो है उस प्रकार से रिसाव कर देना कि कोई भी देश जो है समस्या से ग्रसित हो जाए, बीमार हो जाए, और जो है अन्य देश के जो सदस्य हैं, देश के लोग हैं, तो उनकी जो है बीमारियों से ग्रसित होकर के उनकी मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार से इस प्रकार से जैविक चीज़ों को और जो है कीटाणुनाशक चीज़ों पर जो है काश रोक लगाने के लिए ये जो है संधि की गई थी। इसके बाद देखते हैं आकाशीय पिंड समझौता 1979। तो आकाशीय पिंड समझौता का मतलब हम जमीन पे नहीं करेंगे और
भूतल पे भी नहीं करेंगे परमाणु परीक्षण, और कहाँ नहीं करेंगे, आकाश में भी हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण को नुकसान क्षति पहुँचती है, और जो है शस्त्रों को जो है बढ़ावा मिलता है, उसको जो हम कंट्रोल करने के लिए ये हम संधि लाए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं अमानवीय शस्त्र समझौता 1980। अमानवीय शस्त्र समझौता मतलब जो कि अमानवीय, अमानवीय का मतलब होता है जो मानव के अंगों को छत बिच्छत कर दे। छत बिच्छत कौन से शस्त्र करते हैं, बम, गोला, बारूद, तो ये चीज को जो है अमानवीय तरीके से जो किसी को जो है मृत्यु दे देना, उसको जो है मार देना, बम गोला जनसमूह में फेंक देना, तो बम गोला बारूद बनाने पे जो है रोक लगाने के लिए यह संधि लाई गई थी, अमानवीय शस्त्र समझौता 1980, तो ताकि जो है इस प्रकार से इसको जो है कंट्रोल किया जा सके, और बम गोला बारूद जो है बहुत ही विनाशक घातक हथियार, इनको जो है रोका जा सके। जैसा कि ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जो है हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम छोड़ दिया था, तो उसका आज तक जो है पीढ़ियां जो है भुगतान कर रही हैं, आज तक पीढ़ियां जो है उससे श्रावित हैं, उससे जो है परेशान हैं, और जो है जो लोग हैं वहाँ पे कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहते हैं जहाँ पे ये बम छोड़ा गया था, और वहाँ के जो है लोग बहुत मतलब स्वस्थ नहीं रहते हैं, और किसी से टेढ़े मेढ़े भेंगे इस तरह के जो है उनकी जो है पूरी नस्लें बर्बाद हो गई हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए जो है यह संधि लाई गई थी। नंबर 8 में देखते हैं सामरिक शस्त्र कटौती स्टार्ट फर्स्ट 1991। सामरिक शस्त्र कटौती का मतलब है कि जो सामरिक, सामरिक का मतलब होता है जो हम हमारे सीमा क्षेत्रों में, सीमा क्षेत्रों में अगर हम ढेर सारे लोग, ढेर सारे सभी राष्ट्रों ने क्या कर रखा है कि शस्त्रों को जो है पनडुब्बियों में अपने अपने जो है सामरिक तटों पर अपने जो है रख रखे हैं, ताकि कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र यदि अचानक से अटैक कर देता है तो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए वहां से तुरंत मिसाइलों को छोड़ा जा सके, तो उसी पे कटौती करने के लिए यह संधि की गई थी कि बहुत ज़्यादा हम तटीय सीमा क्षेत्रों पर हम बहुत ज़्यादा इस प्रकार से शस्त्रों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे अन्य राष्ट्र भयभीत होते हैं, और अन्य राष्ट्र भी अपने तटीय सीमा पर सबसे ज्यादा शस्त्रों को रखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टार्ट जो है सेकंड 1993, ये भी सामरिक शस्त्र कटौती ही है, ये जैसे पहले सामरिक कटौती, सामरिक उस्ताद पर इसका वही है, 1993 में भी इसकी संधि की गई थी। नंबर 9 में आ जाते हैं रासायनिक शस्त्र अभिसमय 1993। रासायनिक शस्त्र अभिसमय 1993 में ये संधि हुई थी, तो रासायनिक जिसे कि बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकलते हैं और जो है इसके इसके स्राव से जैसे कि बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है, तो इस चीज, इस प्रकार के शस्त्रों पर भी कटौती लगाने के लिए, कटौती करने के लिए यह संधि लाई गई थी। इसके बाद नंबर 10 व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT 1996। तो ये व्यापक परमाणु जो है प्रतिबंध CTBT, व्यापक का मतलब कि भूतल पे भी और जमीन पे भी और आकाश पे भी किसी भी क्षेत्र में परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें यह कहा गया था कि जिन राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, परमाणु परीक्षण संपन्न राष्ट्र हैं, तो वो अपने जो है कंप्यूटर पे बैठ करके अपने जो है लैब के अंदर उसको अपनी जो क्षमता है उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि माना कि उसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है जैसे, तो उसकी जो है मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता को उसी को मॉडिफाइड करके बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो परमाणु संपन्न नहीं है, जो जिन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं किया है, तो वो परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। जो एक तरीके से भारत ने भी इसका विरोध किया था, भारत ने कहा था कि उनकी जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वो जिनके पास परमाणु नहीं है उन पर अगर अटैक कर देंगे तो इसकी गारंटी कौन लेगा, तो भारत ने भी इस पर बहुत ज़्यादा नाराजगी जताई थी। इस पर भारत ने एकदम एक
सिरे से खारिज कर दिया था कि इस पे हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया था और ढेर सारे देशों ने हस्ताक्षर किया था। भारत ने यह एलिगेंस लगाया था कि यह एक तरीके से पूर्ति पार्शियलिटी की गई है, पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया है, हमारे साथ नाइंसाफी की गई है और हमें भी जो है परमाणु परीक्षण का मौका मिलना चाहिए, जबकि 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और जो उसी को मॉडिफाइड करना था, बहुत लंबे समय से परमाणु परीक्षण नहीं हो सका था, तब इसको जो है इसकी अवहेलना करते हुए और जो है भारत ने यह भी कहा था कि हम जो परमाणु परीक्षण करेंगे भविष्य में या कर रहे हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हमारा देश कभी भी, हमारे देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी हमने पहले से किसी भी देश पे हमने पहले पूर्व में ही हमने अटैक नहीं किया था। जब कोई राष्ट्र हम पर अटैक करता है तभी हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जैसे कि चाइना ने पहले अटैक किया, पाकिस्तान ने पहले अटैक किया, तो हमने जब पाकिस्तान और चाइना ने अटैक किया तो हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने कभी भी पहले किसी राष्ट्र पर अटैक नहीं किया और हम जो है जिम्मेदारी अपनी जो है पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, निर्वाह करते हैं और हम भी परमाणु संपन्न राष्ट्रों में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने जो है ऑपरेशन शक्ति इसका नाम दिया था, पोखरण परमाणु परीक्षण, 5 परीक्षण उन्होंने 1998 में किया था और जो है अपने आप को घोषित किया था कि भारत अब परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में है। तो यूनक में जो लिखित है तो 5 देश जो है परमाणु संपन्न में आते हैं, वैसे तो भारत को लेकर के वर्तमान समय में 9 राष्ट्र परमाणु संपन्न में आते हैं। तो CTBT, NPT इस पे जो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी, तो इस जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो ढेर सारे देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर भारत की ऐसी नीति रही है, हमारी ऐसी नीति रही है कि हमने जो है उस पर हस्ताक्षर किए बिना अन्य अपने प्रतिबंध जो हमारे ऊपर लगे हुए थे, हमने उन प्रतिबंधों को हटाने में हम सफल हुए हैं, पूरी तरह सफल हुए हैं, क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण के करने के बाद हमने किसी भी राष्ट्र पे अनावश्यक तरीके से उनको परेशान नहीं किया, उन पर अटैक नहीं किया और हमने जो है जिम्मेदारी पूर्वक हमने अपना जो है भूमिका, बड़े भाई की भूमिका हमने निर्वाह किया है। और जो है किसी देश में इस तरीके से वाद विवाद होता है तो हम उस पर जो है अपनी राय रखते हैं, विचार विमर्श करते हैं और सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं और गैर जिम्मेदार रवैया नहीं अपनाते हैं। इसलिए जो प्रतिबंध अन्य देशों ने, अमेरिका ने जो लगा रखे थे, अमेरिका ने फिर 2005 तक आते आते प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और जो है व्यापार आवागमन ट्रेड को बढ़ावा मिला और जो है हमने परमाणु परीक्षण संपन्न राष्ट्र का जो है दर्जा हासिल किया है। इसके बाद हम देखते हैं निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं। अब देखते हैं निशस्त्रीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो इसमें हम देखते हैं नंबर 1, राज्य शस्त्रों में अपनी सुरक्षा खोजते हैं। तो निशस्त्रीकरण पूरे तरीके से क्यों संभव नहीं हो पा रहा है, इसका कारण यह है कि राज्य जो होते हैं, राष्ट्र मतलब विश्व के जो ढेर सारे राष्ट्र हैं, तो किसमें अपनी सुरक्षा खोजते हैं, शस्त्रों में अपनी सुरक्षा खोजते हैं, क्योंकि जो है अगर शस्त्र नहीं होगा तो क्या करते हैं, वेपन्स जब नहीं होगा तो लोग ये सोचते हैं कि कोई किसी भी समय अटैक कर सकता है, तो हम अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको जो है शस्त्र रखना अनिवार्य है, तो राष्ट्र यही सोचते हैं, इसलिए निशस्त्रीकरण के मार्ग में यह बात सबसे बड़ी बाधा बन के आती है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 में, राज्यों का मानना है कि युद्ध की रोकथाम के लिए शस्त्रों का होना आवश्यक है। राज्यों का यह मानना है कि कोई देश अगर अटैक कर देता है किसी राष्ट्र पर, तो अगर उसके युद्ध को अगर रोकना है, जैसे कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो है इजराइल और हमास युद्धरत है, जैसे कि अभी कुछ राष्ट्र युद्धरत हैं, तो इसमें से यही माना जाता है कि अगर कोई राष्ट्र के पास यदि शस्त्र नहीं होंगे तो जिसके पास शस्त्र हैं तो उसको अटैक कर देगा और उस पर अटैक करने के बाद वो उस राष्ट्र को बर्बाद कर देगा, एकदम पूरी तरीके से विनष्ट कर देगा। तो हमको अपने शस्त्रों को, इसलिए राष्ट्र सोचते हैं कि हमको शस्त्र रखना जरूरी है ताकि अन्य राष्ट्र हमारे ऊपर अटैक करने से डरें, ताकि क्योंकि अगर हमने किसी राष्ट्र पर अटैक कर दिया है तो प्रत्युत्तर में हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसलिए हमको शस्त्र रखना जो है राष्ट्र अनिवार्य समझते हैं।
नंबर तीन, राज्यों के मध्य परस्पर संघर्ष अनिवार्य सत्य है। तो अनिवार्य सत्य यह है कि राज्यों के मध्य परस्पर संघर्ष होते रहते हैं और यह एक जो है सत्य है, और इसीलिए शस्त्र नियंत्रण में बहुत बड़ा बाधा बन रहा है। निशस्त्रीकरण के मार्ग में तकनीकी और आर्थिक बाधाएं, जिन राज्यों ने तकनीकी हासिल कर लिया है और जो है अर्थ अपने व्यापार ट्रेड ये सबको बढ़ावा देते हैं, तकनीकी रूप से संपन्न हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, तो वो भी नहीं चाहते हैं कि निशस्त्रीकरण हो, क्योंकि जो है निशस्त्रों से ही उनकी कमाई हो रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं निशस्त्रीकरण समझौतों को संपन्न प्रभावी रूप से लागू करना कठिन कार्य है। तो हम शस्त्रों को कम तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से निशस्त्रीकरण का जो मार्ग है तो इसको अपनाना कठिन है, क्योंकि जो है शर्त समझौते संधियां सभी राष्ट्र जो है मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद हम सारांश में देखते हैं, राष्ट्र अपने हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, इसी क्रम में अपनी सैन्य शक्ति एवं मारक क्षमता में वृद्धि करते हैं, जिससे शस्त्रीकरण प्रतिस्पर्धा को बल मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होती है। हथियारों की होड़ को कम या समाप्त करने के लिए निशस्त्रीकरण एक प्रक्रिया है, जिसमें विद्यमान शस्त्रों के नियंत्रण उन्मूलन का संबंध निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण से है। इसको सफल बनाने के लिए संधियों समझौतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो संधि समझौतों को कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि जो है निशस्त्रीकरण के मार्ग को हम अपना सकते हैं। शांति व्यवस्था जो है अपनाने के लिए विश्व में शांति व्यवस्था तभी आ सकती है जब हम निशस्त्रीकरण के मार्ग को अपना सकते हैं। निशस्त्रीकरण ये कभी नहीं कहता कि एकदम शस्त्र विहीन हो जाइए, लेकिन शस्त्रों की कटौती करनी चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में शस्त्रों को नहीं रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।